हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ क्या होता है। इन सब के सेपरेट वीडियोज़ में बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एल्गी, एल्गी क्या होता है। तो जैसा हमने पढ़ा था दैट बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये सब क्या हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक वैसे ही एल्गी इज आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग बींग्स हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइज में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें हम हमारी नेकेड आइज से या फिर ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए स्पेशल डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। तो उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक तरह की डिवाइस है जिससे हम छोटी सी छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एल्गी क्या है, एल्गी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम एल्गी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि एल्गी क्या होता है। एल्गी आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर। एल्गी क्या है, एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कहाँ पाया जाता है बच्चे, वाटर में पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं या फिर हमारे जो पानी की टंकी होती है, जब उसमें पानी कई दिनों तक रखा रहता है तो उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, या फिर उसका जो तला होता है उसमें ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। तो वो ग्रीन कलर की लेयर क्या है, दैट इज एल्गी। वह है एल्गी है, वह एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड जस्ट लाइक प्लांट्स। जिस तरह से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्यों खुद बनाते हैं, क्योंकि प्लांट के पास में होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और उस क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जो एल्गी है वह भी तो ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब यह है कि जो एल्गी है उसके पास में भी क्लोरोफिल है और वह सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड खुद बना सकता है। हमने जब फंजाई पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो फंजाई है वह अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। फंजाई अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास में ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, उसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वह अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। उसको अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, या फिर वह अपना फूड कहाँ से बनाता है, वह अपना फूड बनाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है बच्चे, तो फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, लेकिन जो एल्गी है वह प्लांट्स के जैसे ही अपना फूड खुद बना सकता है। दे कम इन ऑल शेप एंड साइजेज। जो एल्गी है वह हर शेप में पाया जाता है, छोटी से छोटी शेप भी रहेगी और बड़ी से बड़ी शेप में भी पाया जाएगा। इतनी छोटी शेप भी रहेगी और इतनी बड़ी शेप भी इसकी हो सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो हर शेप एंड साइज में एल्गी पाया जाता है। फ्रॉम टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स से लेके टू जायंट सीवीड्स, जो बड़े बड़े सीवीड्स होते हैं उस शेप में भी पाया जाता है और सिंगल सेल्ड भी पाया जाता है। जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी है वह कई तरह के सेल से मिलकर बनी होती है। और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है। तो अगर बॉडी एक सिंगल सेल से बनी है तो इसका मतलब यह है कि वह साइज में इतना ज़्यादा छोटा रहेगा कि उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। अगर मल्टी सेल से बनी है तो फिर हम उसको नेकेड आइज से फिर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल सेल्ड कोई स्ट्रक्चर है तो उसको नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। तो जो एल्गी है वह दोनों शेप में पाया जाता है, सिंगल सेल्ड भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि एल्गी में और क्या पाया जाता है, किस तरह का होता है। चलिए, टाइनी बट माइटी। टाइनी बट माइटी का मतलब है कि ये साइज में छोटा हो सकता है, ये साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा है तो वीक है।
कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं। सम एल्गी आर सो स्मॉल दैट यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन छोटे होते हैं इसका मतलब ये मत समझना कि वो वीक होते हैं। एल्गी वीक नहीं होता है, वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। These tiny algae are called phytoplankton and they are the base of the food chain in the ocean, providing food for many marine animals. ये जो tiny algae है इनको हम scientifically बोलते हैं phytoplankton. Scientific name क्या है इसका? Phytoplankton. और ये क्या करते हैं? जो ocean होता है उसमें food chain बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं? Food chain बनाते हैं और उस food chain का use करते हैं हमारे marine animals. जो मरीन एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले क्रिएचर्स हैं, वो है एल्गी को एज ए फूड यूज़ करते हैं। एल्गी को खा के वो वहाँ पे खुद को सरवाइव कर पाते हैं। कलरफुल सीवीड्स, यू माइट हैव सीन लार्ज कलरफुल सीवीड्स ऑन द बीच। जब आप बीच पर जाओगे कभी तो आप देखोगे कि वहाँ पे कई तरह के कलर के सीवीड्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीवीड्स है वो सिर्फ ग्रीन कलर का ही होगा। सीवीड्स रेड कलर का हो सकता है, सीवीड ग्रीन कलर का भी हो सकता है, सीवीड्स ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो कई सारे कलर में सीवीड्स पाए जाते हैं। दीज आर ऑल्सो एल्गी। ये सब क्या हैं? ये सब एल्गी है। सीवीड्स कम इन डिफरेंट कलर्स लाइक ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, एंड दे प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर मैनी अंडर वाटर क्रिएचर्स। जो अंडर वाटर क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए जो एल्गी है, जो सीवीड है, वह शेल्टर एंड फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गी एंड अस। एल्गी और हमारे बीच में क्या संबंध है? एल्गी हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं? ऐसा नहीं है कि जो एल्गी है वह सिर्फ अंडर वाटर क्रिएचर्स के लिए ही यूज़फुल हैं, वह हमारे लिए भी काफ़ी यूज़फुल हैं। कैसे यूज़फुल हैं हमारे लिए? एल्गी का यूज मेडिसिंस में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में एल्गी का यूज होता है, और हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें भी हम एल्गी का यूज़ करते हैं। हमारे जो आइसक्रीम बनती है उसमें एल्गी का यूज़ किया जाता है। जो सुशी रैप्स होते हैं, सुशी रैप्स क्या है? सुशी रैप्स एक तरह की डिश है। जब भी आप सुशी रैप्स खाओगे तो आप उसमें देखोगे कि उसमें एल्गी पाया जाता है। ठीक है, तो एल्गी हमारे लिए भी काफ़ी यूजफुल है। एल्गी आर नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडर वाटर वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। सम एल्गी आर यूज टू मेक फूड प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम एंड सुशी रैप्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आइसक्रीम एंड सुशी रैप्स में हम एल्गी का यूज़ करते हैं, वाइल अदर्स आर यूज इन मेडिसन्स एंड बायोफ्यूल्स। मेडिसन्स एंड बायोफ्यूल्स में भी एल्गी का यूज़ किया जाता है। एल्गी ब्लूम्स। एल्गी ब्लूम्स क्या है? एल्गी ब्लूम्स कुछ भी नहीं है। एल्गी ब्लूम्स एक तरह का एल्गी ही है, लेकिन यह क्या होता है कि यह ज़्यादा जगह में फैला हुआ रहता है। जैसे कि कोई पॉन्ड है या फिर कोई ओशियन है, तो अगर बहुत सारी जगह में, एक लार्ज एरिया में एल्गी फैला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एल्गी ब्लूम्स। समटाइम्स एल्गी ग्रो टू मच एंड फॉर्म लार्ज पैचेज कॉल्ड एल्गी ब्लूम्स। तो जो लार्ज पैचेज बन जाते हैं ग्रीन कलर के, उन्हीं को हम बोलते हैं एल्गी ब्लूम्स। वाइल सम एल्गी ब्लूम्स आर हार्मलेस, कुछ एल्गी ब्लूम्स हार्मलेस होते हैं, अदर्स कैन बी हार्मफुल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुँचा सकते हैं, टू द एनवायरमेंट एंड टू द एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर। और जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो अंडर वाटर क्रिएचर्स हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एल्गी हेल्पफुल रहते हैं। कुछ एल्गी उनके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और कुछ उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी अ पॉन्ड कवर्ड इन अ ग्रीन स्कम। तो अगर आप कहीं पर पॉन्ड देखो और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर देखो, और ईट सुशी रोल, और कभी सुशी रोल खाओ विद अ सीवीड रैप, रिमेंबर द अमेजिंग वर्ड ऑफ एल्गी। तो जो सीवीड उसमें, जो सुशी रैप में जो सीवीड है वह क्या है? वह एल्गी है। तो आपको याद आना चाहिए कि हमने एल्गी के बारे में पढ़ा है, तो जब भी आप सुशी रैप खाओ तो उसमें एल्गी को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे मैंने दी है। तो सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नौकर के साथ।